ड्रग्स केस में एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। वहीं केंद्र सरकार ने आर्यन खान मामले में जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सक्षम प्राधिकारी से वानखेड़े के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान ड्रग्स बरामदगी मामले में उनकी घटिया जांच के लिए एक्शन की बात कही गई है। एनसीबी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स मिलने के मामले में शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। मामले में केवल 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आर्यन समेत 6 लोगों को सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिया गया है। एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान के मुताबिक आर्यन खान ड्रग्स के मामले में समीर वानखेड़े की टीम से गलती हुई। गिरफ्तारी के वक्त समीर वानखेड़े इस मामले की जांच कर रहे थे। प्रधान के मुताबिक अगर एनसीबी से गलती नहीं हुई होती तो एसआईटी जांच को अपने हाथ में क्यों लेती। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।